दोस्तों, मेरा नाम राज राय सिंघानी है। मैं एक नेचुरोपैथ और फिटनेस ट्रेनर हूँ। नेचुरल फूड को प्रमोट करना एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हॉबी भी है। और आज मैं आया हुआ हूँ बैरागढ़ के लाल घाटी साइड। यहाँ पर मुझे नेचुरल मैंगोस दिखने को मिल गए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी आम रखे हुए हैं वो सब नेचुरली राइपन है, मतलब कि ऑर्गेनिक, जो कि सीधा पेड़ से तोड़कर यहाँ पर लाए गए हैं। जितने भी मार्केट में आम आपको मिलते हैं वो सब आर्टिफिशियली राइपन होते हैं, मतलब कि उसमें एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू आमों को पकाया जाता है। लेकिन अभी जो यहाँ पर आपको आम दिख रहे हैं ये आम पूरे नेचुरल हैं। और ये आम यहाँ पर सामने एक नर्सरी है, इस नर्सरी में से तोड़कर लाए जाते हैं। तो पूछते हैं हम भैया जी से कि कौन कौन से आम उनके पास है। भैया जी, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, राहुल जी, तो आपके पास कौन कौन से आम है अभी? सर, लंगड़ा है, ये लंगड़ा है आपके पास। अमरपाली है, अमरपाली, ये अमरपाली आम आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम वैरायटी होती है जो मिल पाती है। इसके अलावा ये सरोली है, ये सरोली, सरोली भी बहुत ही कम मार्केट में दिखने को मिलते हैं। मोस्टली जो मार्केट में मैंगोस मिलते हैं वो बादाम मिलते हैं और मोस्टली लोग वही खाते हैं। और वो मैंगोस भी जो मिलते हैं वो आर्टिफिशियली राइपन होते हैं, मतलब वो जो पके होते हैं वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू रहते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल मैंगोस हैं। तो भैया जी, किस रेट में आप दे रहे हैं अभी ये मैंगो? सर, ये 100 रुपए केजी है। ओके, ये 120 है। 120 रुपए केजी से। और ये 80 रुपए केजी। 80 रुपए केजी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आम इनके मिल रहे हैं, जैसे इन्होंने लंगड़ा आम बताया, ये 100 रुपीज केजी है, जो कि इतना महंगा नहीं है। और आप अगर अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं तो हेल्थ के लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका रिटर्न आपको आपकी बॉडी देने वाली है। तो 100 रुपीज केजी हैं और ये अमरपाली इन्होंने 120 रुपीज केजी बताया। और ये सब नेचुरली ऑर्गेनिक आम है, देख सकते हैं हम। अभी हम भैया जी को बोलेंगे, इसको टेस्ट भी करवा के दिखाएं कि कैसा है इनका टेस्ट। भैया जी, ये पक्का पेड़ से तोड़े हुए आम है? पेड़ से तोड़े हुए आम। दोस्तों, जितना मैंने अभी सीखा है कि जो नेचुरली ऑर्गेनिक आम होते हैं उनको पहचानने का तरीका क्या है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम देखते हैं कि हमें बड़े बड़े और पीले पीले आम मिल जाते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि वो नेचुरली राइपन है या फिर आर्टिफिशियली राइपन है? तो इसके लिए हमको क्या करना रहता है कि एक पानी का बाउल लेना है आपको, उसमें आपको दोनों तरह के आम डालने हैं। जैसे अगर आप यहाँ से कोई आम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने अमरपाली आम लिया और मार्केट से कोई आपने आम लिया, तो आप देखेंगे कि जो भी नेचुरली राइपन मैंगो हैं वो पानी में डिप हो जाएंगे, पानी में अंदर घुस जाएंगे। और जो आर्टिफिशियली मैंगोज होते हैं वो पानी में तैरते हैं, मतलब वो पूरी तरह से अंदर डिप नहीं होते। तो राहुल जी को हम बोलेंगे, राहुल जी आप कौन सा मैंगो टेस्ट करवा रहे होगी? सरोली टेस्ट। सरोली, आज बताइए। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर एक कटवा के भी दिखाता हूँ राहुल जी से। ये मैंगो यहाँ पर सरोली आम देख सकते हैं। और राहुल जी, स्पून मिल जाएगा? ये मैं, मेरा तरीका ये होता है कि मैं मैंगोज कैसे खाता हूँ, स्पून से। बहुत बढ़िया। आप जब नेचुरली राइपन मैंगोज खाते हैं तो उसका टेस्ट आपको अलग ही मिलेगा और वो जो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट करेगा उसका भी अलग ही रोल रहेगा। वो चूसने वाले ये रखे तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। अब राहुल जी से एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा। राहुल जी, अगर मेरे थ्रू यहाँ पर कोई राज नाम लेकर आता है तो उनको आप क्या डिस्काउंट देंगे? 20 रुपए डिस्काउंट कर देंगे। बिल्कुल। तो जैसे आप लंगड़ा कितने 100 का दे रहे हैं तो वो 80 का मिल जाएगा, राइट? जी। ओके, तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको यहाँ पर अभी 20 रुपीज डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं और मैंगोस लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है।
इसका मैं प्लेस का लोकेशन आपको बता देता हूँ। ये प्लेस भोपाल के लालघाटी एरिया पर है और लालघाटी में हलालपुरा बस स्टैंड है, उसके पास ही है। यहाँ पर सुंदरवन नर्सरी आप देख सकते हैं, सुंदरवन नर्सरी है और जो कि बैरागढ़ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बैरागढ़ से 2 किलोमीटर तक आना है और लालघाटी से अगर हम बात करें तो लालघाटी से भी लगभग, जो लालघाटी के एरिया आपके आसपास है उनके लिए भी लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सुंदरवन नर्सरी के पास में बिल्कुल आपको यहाँ पर ऐसा शेड में मिलेगा। और इनके पास और सारे भी मैंगोस रखे हुए हैं जो कि पीछे आप देख सकते हैं कैरेट रखी हुई है और उन कैरेट में उनके पास कई तरह के अभी और भी मैंगोस पड़े हैं। तो आप एक बार बिल्कुल जरूर आइएगा और यहाँ पर लीजिए। वो सरोली लंगड़ा है। ओके राहुल जी, थैंक यू। तो मैं चलता हूँ, आप जो भी मेरी तरफ से जो भी आएंगे उनको आप डिस्काउंट जरूर देना और मैं आपसे मिलता रहूंगा। जी सर, थैंक यू गाइस। तो मैं मिलता हूँ और भी आगे नेचुरल फूड से रिलेटेड कुछ वीडियोस रहेंगे तो उनको मैं जरूर प्रमोट करूंगा और जरूर आपके पास आऊंगा। थैंक यू।